वेलकम बैक टू माय चैनल पेश आकाश गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं कुरनूल से, अभी आगे की लोकेशन पता नहीं है, तो वो तो आगे पता चली जाएगी क्योंकि हम हैदराबाद को बाईपास करते हुए जाएंगे, तो अगली लोकेशन थोड़ी देर में पता चल जाएगी। और वैसे हमने अभी जस्ट अभी आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम रात भर सोए थे, मतलब रात में मतलब 2 से 4 बजे तक, और उसके बाद अभी हमें और भी डिस्टेंस कवर करना है। तो चलते चलते हमने चाय भी बना ली और चाय पी के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो अभी चलते हैं आगे सफर। हम अभी जा रहे हैं महबूब नगर के अंदर से और आप ट्रैफिक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। पाँच और अभी हम पहुंच चुके हैं बिदर में और यहाँ से हमें मैलार जाना है, तो उसके लिए करीब अभी 16 किलोमीटर है वो, और बाकी तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमें तिरुपति से निकलकर यहाँ आते समय करीब लगभग 1 दिन ही लग गया। आप गाड़ी चला रहे हैं आकाश पांडे, देखो इनको आकाश पांडे को। तो अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं मैलार, अभी बजे शाम के 7। तो ये जो टेंपल है इसे बोलते हैं मैलार टेंपल, जो कि खंडोबा जी का है। और तो खंडोबा जी का और एक मंदिर है जो कि है जेजुरी में, और यहाँ का मतलब ये मेन कर्नाटक में है। यहाँ अगर कभी बिदर आओ तो नरसिम्हा स्वामी के टेम्पल अगर गए तो ये नज़दीकी है। तो आज का पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही गया और सिर्फ एक ही टेम्पल विजिट किया है, तो चलते हैं अभी घर की तरफ। जस्ट अभी दूध निकाला है और अभी वो लेके जा रहे हैं, हमारे इधर तो बैग का ही मिलता है, तो गांव जब भी आता हो तो ये वाला मिल्क पीने का मजा बहुत ज्यादा होता है। कल रात हम करीब 10 बजे पहुंच चुके थे और 10 बजे के बाद हम करीब 11 बजे तक खाना खाया और सो गए। और तो सुबह में 5 बजे उठा, 5 बजे के बाद नींद नहीं आई वगैरह होके बाहर आए। तो ये जो है इसे बोलते हैं निलंगा राइस, और ये हमारे रातौर का फेमस है। आप रातौर में कहीं पे भी जाओ, आप अगर बोल दो निलंगा राइस तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो यही होता है। तो हम तिरुपति गए थे क्रूज़र में और हमने अपनी कार यहाँ पर पार्क कर दी थी, तो इसे पहले कॉल स्टार्ट करते और निकलते। डैम है, इसका नाम है तेरना डैम, और ये डैम आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके गेट अभी जस्ट ओपन किए। देख सकते हैं अभी डोर्स ओपन कर दिए, तो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, और अभी तो सिर्फ 2 ही दरवाजे ओपन किए। और जब भी बाढ़ आती है तो पानी अंदर गांव तक भी चला जाता है, और जो पास ही में एक कॉलेज है तो कॉलेज तक भी चला जाता है पानी। अभी शाम के 5:30 बजे और अभी हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे, तो अभी जस्ट मेरी बॉलिंग चल रही है, उसके बाद जब एक टीम का होगा उसके बाद मेरी बैटिंग आएगी।
करीब 3-4 दिन गांव में रहने के बाद अभी हम निकलने वाले हैं वापस अम्बाजीनगर के लिए। तो ये ट्रिप काफ़ी अच्छी रही क्योंकि हम एक वीक तो उधर ही गया तिरुपति में और ये सेकेंड वीक मैंने गांव में स्पेंड किया। तो गांव में कभी भी अच्छा ही लगता है। सबसे तो मिल लिए, अभी निकलते हैं अम्बाजीनगर के लिए। करीब 2 घंटे के ड्राइव के बाद अभी मैंने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया, करीब 125 किलोमीटर के आसपास बचा है, तो वो 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। 8 बजे के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा व्यू दिखा जिसके लिए हमारी कार रुकानी पड़ी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है भीड़ का डैम, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा इसे।